जब से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ तब से अब तक के समय को चार इयोन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हेडियन इयोन। पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री की चार इयोन में यह सबसे पहला इयोन है। इसका आरंभ आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी के जन्म के साथ शुरू हुआ और इसका अंत आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले हो गया। हेडिस प्राचीन यूनान के नरक का राजा था। पृथ्वी के निर्माण के तुरंत बाद पृथ्वी पर परिस्थितियां नरक जैसी थी, जिस कारण उस इयोन का नाम हेडियन इयोन रखा गया। दूसरा है आर्कियन इयोन। यह आज से 3875 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और 2750 मिलियन ईयर्स पहले समाप्त हो गया। इस इयोन में पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी और उस पर कॉन्टिनेंट बनने शुरू हो गए थे और पृथ्वी पर जीवन भी शुरू हो गया था। फिर आया तीसरा इयोन, प्रोटेरोजोइक इयोन। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में यह समय आज से 2500 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और आज से 541 मिलियन ईयर्स पहले खत्म हो गया। फिर आया हमारा अंतिम इयोन, फेनेरोजोइक इयोन। यह आज से सिर्फ 541 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। इस फेनेरोजोइक इयोन में तीन एराज थे। पहला था पेलियोजोइक एरा, दूसरा था मीजोजोइक एरा, इसे याद रखिएगा। इस मेजोजोइक एरा को तीन पीरियड्स में डिवाइड किया गया, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड को भी याद रखिएगा। क्रिटेशियस पीरियड के खत्म होने पर तीसरा और अंतिम एरा शुरू हुआ जिसका नाम था सेनोजोइक एरा। यह आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले आरंभ हुआ और आज तक चल रहा है। सेनोजोइक एरा में कुल तीन पीरियड्स आते हैं, पेलियोजीन पीरियड, नियोजीन पीरियड और क्वार्टनरी पीरियड। हम सब इसी क्वार्टनरी पीरियड में हैं। ये तो था हमारा सफर, पर पॉइंट क्या है इन सब बातों का जानने के लिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। क्रिटेशियस पीरियड के अंत में लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले भारत के पश्चिमी घाट पर वोल्केनो इरप्शंस होना शुरू हुआ था। विस्फोट की यह श्रृंखला 30,000 साल से थोड़े कम समय तक चलती रही और इसी के साथ शुरू हुआ था डेकन ट्रैप्स का निर्माण। 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में इस वोल्केनो इरप्शन का लावा फैल गया था। इरोजन और प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण इसका आकार आज की तारीख में घटकर ओरिजिनल एरिया का 50% ही रह गया है। यह सारा एरिया कहलाया डेकन ट्रैप, जो वेस्ट सेंट्रल इंडिया में एक एरिया है। यह पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्वालामुखीय पहाड़ों यानी वोल्केनिक माउंटेन्स में से एक है। डेकन ट्रैप पीरियड के समाप्त होते होते यह लावा ठंडा होने के पहले बेसाल्ट चट्टानों के साथ मिक्स हो गया। इस इलाके में बेसाल्ट के ऊपर काली रेगुर मिट्टी पाई जाती है जिसमें कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। चूंकि यह लावा से बनी है इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। यह एरिया मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला है। गुजरात में यह डेकन ट्रैप कहलाया गिरनार माउंटेन और इस तरह से बना हमारा गिरनार पहाड़। भारत के गुजरात राज्य में जूनागढ़ जिले में स्थित पहाड़ियां गिरनार नाम से जानी जाती हैं। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 3500 फीट है, पर चोटियों की संख्या अधिक है। यह एक पवित्र स्थान है जो जैन और हिंदू धर्मावलंबियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ है। सबसे ऊंची चोटी 3666 फीट ऊंची है। इस चोटी को गुरु दत्तात्रेय और नेमीनाथ दोनों नामों से जाना जाता है। एशियाटिक लायंस के लिए विख्यात गिर नेशनल पार्क इसी पर्वत के जंगल क्षेत्र में है। 3300 फीट की ऊंचाई पर अंबा माता का प्राचीन मंदिर है, जहां अब रोपवे से गोंडोला लिफ्ट में बैठकर पहुंचा जा सकता है। क्या होता है यह गोंडोला लिफ्ट? गोंडोला लिफ्ट एक एरियल लिफ्ट है जो एक स्टील के केबल से लूप द्वारा लोगों या सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये स्टील के केबल वायर बीच बीच में टावर से सपोर्टेड होते हैं।
केबल दोनों टर्मिनल्स यानी छोरों पर दो लगातार घूमते हुए बुल व्हील्स के द्वारा सपोर्टेड होते हैं, जो कि आमतौर पर एक इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा होता है। डिटैचेबल ग्रिप के साथ मल्टीपल गोंडोला केबिन्स केबल से जुड़े होते हैं। इस डिटैचेबल ग्रिप के कारण ये केबिन्स बोर्डिंग के समय स्टेशन पर धीमे हो जाते हैं और यात्रियों की बोर्डिंग सेफ और इजी हो जाती है। जो गोंडोला लिफ्ट एक सिंगल केबल पर चलती है उसे कभी कभी मोनो केबल गोंडोला लिफ्ट भी कहा जाता है। दो या तीन केबल्स पर ये बाई या ट्राई केबल लिफ्ट के रूप में चलती हैं। गिरनार में मोनो केबल गोंडोला लिफ्ट ही है। आइए अब थोड़ा जानते हैं क्या है ये गिरनार रोपवे प्रोजेक्ट और इसके बनने में क्या क्या अड़चने आई। 1983 में पहली बार इस परियोजना को टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड TCGL द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें 9.1 हेक्टेयर या 22 एकड़ वन भूमि का अधिग्रहण का सुझाव दिया गया था। 1994 में गुजरात सरकार ने 7.29 हेक्टेयर यानी 18 एकड़ वन भूमि को अंतिम रूप दिया। 1995 में भारत सरकार ने भी अनुमति दे दी। परियोजना में देरी हुई जब पालकी चलाने वालों ने, जो तीर्थ यात्रियों को माउंट तक ले जाते थे, परियोजना का विरोध किया और अपनी आजीविका के बारे में गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका उस वक्त खारिज कर दी गई जब उषा ब्रेको लिमिटेड कंपनी द्वारा रोपवे के निर्माण के बाद उनकी दूसरी आजीविका के लिए सहमति व्यक्त कर दी गई। 1999 में पर्यावरणकर्ताओं की आपत्तियों के बाद निर्माण को रोक दिया गया। 2002 में आपत्तियों के छटने के बाद फिर से काम शुरू हुआ। 2007 में जमीन का फिर से अधिग्रहण किया गया। 2011 में राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड से इसकी मंजूरी लेनी पड़ी, क्योंकि यह परियोजना गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गिर नेशनल पार्क के भीतर स्थित थी। 2016 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई। 2017 में रोपवे के इस प्रपोज प्रोजेक्ट को लोकल इंडेंजर्ड लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स के लिए जोखिम माना गया। इसके बारे में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे गुजरात उच्च न्यायालय ने बाद में खारिज कर दिया था। सितंबर 2018 में इसका निर्माण फिर से शुरू किया गया। 2020 तक कुल 104 दुकानों का निर्माण, जो इस प्रोजेक्ट से प्रभावित थी, निचले टर्मिनल की पार्किंग में किया गया। तब जाकर रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हुआ। मई 2020 में इस रोपवे के खोलने का अनुमान था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें और देरी हुई। सितंबर 2020 में ऑस्ट्रिया के चार इंजीनियरों की देखरेख में ट्रायल रन किए गए थे। इस परियोजना को 98 ईयर्स की लीज अवधि के आधार पर BOT यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के आधार पर उषा ब्रेको कंपनी को दिया गया है। लास्टली 24 अक्टूबर 2020 इस परियोजना का उद्घाटन हो ही गया। एशिया का यह सबसे लंबा रोपवे 2320 मीटर यानी 7600 फीट लंबा है। इसका निर्माण 130 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें निचले और ऊपरी टर्मिनलों का निर्माण के साथ साथ 50 mm डायमीटर के स्टील के सिंगल केबल को सपोर्ट करने वाले 9 पोल्स भी इरेक्ट किए गए हैं। भारत में कुछ प्रमुख रोपवेज हैं, कश्मीर में गुलमर्ग गोंडोला और मखदूम साहिब, जोशीमठ उत्तराखंड से औली केबल कार या औली रोपवे, उत्तराखंड के ही देहरादून में क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी में केबल कार इन मसूरी, उत्तराखंड में नैनीताल और हरिद्वार में एरियल रोपवेज, हिमाचल प्रदेश के सोलंग वैली में मनाली रोपवे, महाराष्ट्र के रायगढ़ में रायगढ़ रोपवे, मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा नदी के धुआंधार वाटरफॉल के ऊपर रोपवे एट धुआंधार, बिहार के राजगीर में भारत का शायद सबसे पहला और सिंगल सीटर रोपवे, रोपवे ऑफ राजगीर, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में रमन रिवर के ऊपर दार्जिलिंग रोपवे, आंध्र प्रदेश में नलम्मा हिल्स और कृष्णा रिवर के ऊपर श्री सैलम रोपवे, केरल के पालाकाड़ जिले में मलामपुझा उड़न खटोला,
झारखंड के देवघर में रोपवे इन देवघर, राजस्थान में करनी माता रोपवे, मध्य प्रदेश के मैहर में रोपवे एट मैहर, गुजरात के पावागढ़ में महाकाली रोपवे और गुजरात के ही जूनागढ़ में ये अपना गिरनार रोपवे। रास्ते में गिरनार पर्वत दिखने लगा, बेस में भवनाथ तलेटी नजर आया। यहां से अंबा मंदिर 850 मीटर यानी 2008 फीट ऊपर है। हमने रास्ते में ही ऑनलाइन टिकट ले ली थी। एक टिकट की प्राइस थी 700 रुपीस आने जाने दोनों का मिलाकर। प्रिंट आउट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल से बारकोड स्कैन कर अंदर जाने दिया जाता है। आप लाइन में भी लगकर टिकट खरीद सकते हैं। इसमें 8 यात्रियों की क्षमता वाली 25 ट्रॉलियां या गोंडोला केबिन्स हैं। यह प्रति घंटे 1000 यात्रियों को ले जा सकता है यानी प्रतिदिन 8000 पैसेंजर्स। लगभग 8 मिनट में यह यात्रा पूरी हो जाती है एक तरफ से। थोड़ी देर रुकने और फोटोग्राफी करने के बाद हम वापस उसी रोपवे से यादों को अपने मन में संजोए वापस आ गए। रोपवे का सफर वाकई रोमांचक था। तो ये थी गिरनार माउंटेन और गिरनार रोपवे की जानकारी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा।